मेरा नाम है मनोज और स्वागत है आपका फिल्मी एक्सप्लेनर के नेक्स्ट एपिसोड में। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर, जिसका नाम है मर्मर ऑफ द हार्ट। इस मूवी को 1971 में रिलीज किया गया था और इसे IMDb पर 7.7 की रेटिंग दी गई है। ये एक कॉमेडी और ड्रामा मूवी है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत फ्रांस के डिजों शहर से होती है और ये 1954 का दौर होता है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें लॉरेंट चेवेलियर नाम के एक 15 साल के स्कूली बच्चे को दिखाया जाता है, जो कि लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहा होता है, क्योंकि इस वक्त इंडोचाइना वार चल रहा होता है और वो इस लड़ाई में घायल हुए फ्रांस के सैनिकों की मदद करना चाहता था। इसलिए काफी सारे लोग उसे चंदा देते हैं और कई लोग उसे चंदा देने से मना भी कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉरेंट अपने एक फ्रेंड के साथ एक बुक स्टोर में जाता है और वहां से एक बुक चोरी कर घर वापस आ जाता है। लॉरेंट एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करता था। उसकी माँ क्लेरा उसे बहुत प्यार करती थी। उसके फादर चार्ल्स गायनेकोलॉजिस्ट हैं, पर उन्हें अपनी फैमिली की कुछ ज़्यादा फिक्र नहीं होती है। उसके दो बड़े भाई भी हैं, थॉमस और मार्क। अक्सर ये तीनों आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। एक दिन लॉरेंट स्टडी कर रहा होता है तो उसके दोनों बड़े भाई उसके पास आकर उसे परेशान करने लगते हैं और उसके कपड़े उतार देते हैं। फिर ये तीनों आपस में शर्त लगाते हैं कि इन तीनों में से किसका प्राइवेट पार्ट सबसे बड़ा है, और फिर ये तीनों अपने अपने प्राइवेट पार्ट का मेजरमेंट करने लगते हैं। तभी वहाँ उनकी मेड ओगेस्टा आ जाती है और वो उन्हें डांटकर वहाँ से भगा देती है। आगे हम देखते हैं कि लॉरेंट एक होनहार स्टूडेंट है और वो हर बार अच्छे नंबरों से पास होता है, पर उसमें एक कमी भी है कि वो हर रोज स्कूल देरी से पहुँचता है और वो हर बार कोई ना कोई नया बहाना बना देता है। ऐसे ही एक दिन जब वो स्कूल देरी से पहुँचता है तो उसके टीचर उसे डांट रहे होते हैं, तो वो एक नया बहाना बना देता है और कहता है कि आज उसने एक ब्लाइंड लेडी को सड़क पार करने में मदद करी, इसलिए उसे स्कूल पहुंचने में देर हो गई। जब वो स्कूल से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसकी माँ किसी गैर मर्द के साथ कार में बैठकर कहीं जा रही होती है। वो क्लेरा को देखकर समझ जाता है कि उसका उस आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। वो इस बारे में अपने डैड को बताना चाहता है, इसलिए वो उनके पास जाता है, पर उसके डैड उसकी बात नहीं सुनते और उसे डांटकर अपने क्लिनिक से भगा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉरेंट अपनी केट के द्वारा हस्तमैथुन कर रहा होता है, साथ ही वो एक एडल्ट टाइप की बुक भी पढ़ रहा होता है। डिनर के वक्त उसके दोनों भाई उसे परेशान करने लगते हैं। तभी वहाँ क्लेरा आ जाती है और वो मार्क और थॉमस को रोकते हुए लॉरेंट से बात करने लगती है, पर लॉरेंट अब उससे बात नहीं करना चाहता। इसके बाद एक रात मार्क और थॉमस लॉरेंट को एक वेश्यालय में लेकर जाते हैं। यहाँ लॉरेंट को पता चलता है कि उसके दोनों भाई अक्सर यहाँ आते रहते हैं। यहाँ लॉरेंट की मुलाकात फ्रेडा नाम की एक खूबसूरत लड़की से होती है। फ्रेडा के साथ लॉरेंट अपनी वर्जिनिटी लूज करता है। इतने में उसके दोनों भाई वहाँ आकर उसका मजाक उड़ाते हैं। इन सब से लॉरेंट काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है और गुस्से में एक स्काउट ट्रिप पर चला जाता है। यहाँ उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है और डॉक्टर्स उसे एक महीने का कंप्लीट बेड रेस्ट करने की सलाह देते हैं। इसके बाद उसे घर भेज दिया जाता है। अब लॉरेंट अक्सर अपने बेड पर पड़ा रहता है। कभी ऑगस्टा उसकी देखभाल करती है तो कभी उसकी माँ क्लेरा गिटार बजाकर उसे एंटरटेन करती है। क्लेरा लॉरेंट के इलाज के लिए उसे दूसरे शहर लेकर जाती है। यहाँ उन्हें एक होटल में रुकना पड़ता है, पर होटल में सभी रूम बुक होने के कारण उन्हें बस एक ही रूम मिलता है, इसलिए उन दोनों को एक ही रूम में रुकना पड़ता है। जब क्लेरा बाथटब में बैठकर नहा रही होती है तो लॉरेंट उसे छुपकर देख रहा होता है। क्लेरा को जब यह महसूस होता है कि लॉरेंट उसे नहाते हुए देख रहा है तो वो उसे जाकर एक चाटा मारती है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ लॉरेंट की मुलाकात दो लड़कियों से होती है। पहली बार में वो हेलन से मिलता है और दूसरी बार में डेफनी से। लॉरेंट हेलन को पसंद करता है और वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, पर हेलन उसे मना कर देती है, इसलिए वो दुखी होकर अपने रूम में वापस आ जाता है। तभी क्लेरा भी वहाँ पहुँचती है। वो काफ़ी ज़्यादा उदास होती है। लॉरेंट जब इसका कारण पूछता है तो क्लेरा उसे बताती है कि उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है, और फिर रोने लगती है। तब लॉरेंट उसे दिलासा देता है और फिर वो दोनों साथ में डिनर के लिए जाते हैं। डिनर के बाद वो दोनों कार्ड्स खेलते हैं।
और काफी ज्यादा ड्रिंक्स करते हैं। ड्रिंक्स करने के बाद वो दोनों अपने रूम में वापस आ जाते हैं और यहाँ वो दोनों नशे की हालत में एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह लॉरेंट गिल्टी फील करता है, तब क्लेरा उससे कहती है कि तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, हम इस सीक्रेट को छुपा कर रखेंगे, हम यह बात किसी को नहीं बताएंगे। लॉरेंट अपनी गिल्टी दूर करने के लिए हेलेन के पास जाता है, पर हेलेन उसे मना कर देती है। इसके बाद वो डेफनी के रूम में जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। इस सब के बाद जब वो वापस अपने घर जाता है तो सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। जब लॉरेंट का ध्यान अपने पैरों पर जाता है तो वो यह पाता है कि वो नंगे पांव हैं और उसने अपने जूते हाथों में उठा रखे हैं, इसलिए सभी उस पर हंस रहे होते हैं और यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। यदि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए इसी तरह की नई नई वीडियोस समय समय पर लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।